बाद में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नेता आपके आसपास हैं, बन के भी सर आप तो रोक सकते हैं और अच्छे से सर कानून व्यवस्था। एक विधायक और एक सांसद से ज्यादा ताकत रखता हूं, क्योंकि मेरे पत्र के बाद विधायक की भी फटती है और सांसदों की भी फटती है। देखिए, ऐसा कोई ब्राह्मण मुस्लिम की बात ही नहीं है। ओवैसी साहब ने हमेशा एक सेक्युलरिज्म का उदाहरण यहाँ पे पेश किया है और उसकी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको बनारस उत्तरी सीट में मिलेगा। एक टोपी वाला जो नमाज करता है, अपने आप को देश में ये दिखाया जाता है कि वो मुस्लिमों का नेता है, यहाँ के उत्तरी सीट पे एक तिलकधारी और चुंडीधारी को ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देता है और सारे टोपीधारी को लगा देता है कि जाइए इनके तिलक की इज्जत बचाइए और मेहनत करिए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म और इससे बड़ा उदाहरण इस देश में मिल ही नहीं सकता जो ओवैसी साहब ने प्रस्तुत किया है। ऐसे हरीश मिश्रा जी एक बेहतरीन गैप के साथ उभरते हुए विधायक यहाँ पे बनेंगे आगामी 10 तारीख को, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भाजपा से जो नाराज वोट है वो कहीं ना कहीं अब हरीश मिश्रा जो कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट है उनकी तरफ जो हिंदू वोटर है वो घूम रहा है। लगातार मजलिस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरीश मिश्रा के लिए वोट मांग रहे हैं, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है बनारस में? आप घूम रहे हैं, बड़ा नाम है सर, आपका भी तो नाम बड़ा है, प्रधानमंत्री क्या क्षेत्र है, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग सरकार से नाराज हैं और प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन 388 जो बनारस उत्तर सीट है यहाँ से हरीश मिश्रा जी एक बेहतरीन गैप के साथ उभरते हुए विधायक यहाँ पे बनेंगे आगामी 10 तारीख को, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भाजपा से जो नाराज वोट है वो कहीं ना कहीं अब हरीश मिश्रा जो कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट है उनकी तरफ जो हिंदू वोटर है वो घूम रहा है, उसके साथ में मुस्लिम वोट जो है वो लगातार इनका खुद से उतर के प्रचार कर रहा है, न केवल साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो रणनीति है, जो एक शो दिख रहा है हमें, एक पिक्चर दिख रही है, बहुत स्पष्ट होते जा रही है। और दिन पे दिन जैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियां करना शुरू करेंगे यहाँ पे, वो पिक्चर एकदम एक तरफा हो जाएगी और बंपर वोटों के साथ हरीश मिश्रा जी जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा बनारस में। 10 मार्च को बात किया जाएगा सर इस पे, इस समय पूर्वाकलन करना बहुत जल्दबाजी होगा। कहने के लिए तो बीजेपी जा रही थी तो सारी चीजें, सारी हवा उस तरफ थी, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं। जनता इस समय बहुत ज्यादा नाराज है, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिल रहा है, उसमें ओवैसी साहब भी आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी आते हैं और अखिलेश यादव जी भी। सर अहम सवाल है, जिस तरह से लगातार आप मुख आवाज उठाते रहे, लेकिन सर ओवैसी के ऊपर एक लगा दिया जाता है लेबल कि 20% की राजनीति करते हैं, हर बात में मुस्लिम मुसलमानों के साथ ये, वो कभी ब्राह्मणों की बात नहीं किए वो कभी, इसलिए लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई ब्राह्मण मुस्लिम की बात ही नहीं है। ओवैसी साहब ने हमेशा एक सेक्युलरिज्म का उदाहरण यहाँ पे पेश किया है और उसकी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आपको बनारस उत्तरी सीट में मिलेगा। एक टोपी वाला जो नमाज करता है, अपने आप को देश में ये दिखाया जाता है कि वो मुस्लिमों का नेता है, यहाँ के उत्तरी सीट पे एक तिलकधारी और चुंडीधारी को ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देता है और सारे टोपीधारी को लगा देता है कि जाइए इनके तिलक की इज्जत बचाइए और मेहनत करिए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म और इससे बड़ा उदाहरण इस देश में मिल ही नहीं सकता जो ओवैसी साहब ने प्रस्तुत किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को और 10 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन क्या है कौन कैसा है वो 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। सर इससे पहले हमने एक आपसे इंटरव्यू किया था, लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था अगर विनय दुबे आपसे मिले तो जरूर ये सवाल करना जी, कि क्या विनय दुबे चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में एक बदलाव लाना। नफरत बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से हमारी आबोहवा जो है वो ख़राब की जा रही है, जो सेकुलर फैब्रिक है उसे तोड़ा जा रहा है, तो मेरी प्राथमिकता वो है कि उसे कैसे रोका जाए। बाद में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नेता आपके आसपास हैं, बन के भी सर आप तो रोक सकते हैं और अच्छे से सर कानून व्यवस्था। एक विधायक और एक सांसद से ज्यादा ताकत रखता हूं, क्योंकि मेरे पत्र के बाद विधायक की भी फटती है और सांसदों की भी फटती है। लेकिन आप खुद विधायक, वो मजा सांसद और विधायक बनने में नहीं है, जो मजा आजाद घूम का लेवल नहीं है मेरे ऊपर आज, केवल और जहाँ पे भी गलत होगा मेरी लात वहाँ पहुँचेगी, भले वो गलत किसी विपक्षी दल ने ही क्यों ना किया हो। मैं जब भी बीजेपी का विरोध करता हूँ तो लोग सोचते हैं ये कांग्रेसी या समाजवादी है या फिर शिवसैनिक होगा या फिर लेबल आपके ऊपर लगा देते हैं सर। मैं उनको बताना चाहूँगा मेरी कोई जात बिरादर, मेरा कोई धर्म नहीं है, जहाँ गलत होगा वहाँ पे लात मारूंगा। अच्छा सर, प्रधानमंत्री पहले कह रहे थे पकौड़ा तलना रोजगार है, गोबर बेचना भी रोजगार है सर। भैया वो आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, मजे लीजिए, उनको क्यों सीरियस लिया जाता है? आज तक कोई भी एक ऐसी चीज जो उन्होंने कही हो और पूरी हुई हो, अपने कार्यकर्ताओं को पकौड़ा तलने पे लगा दिया। आज जो बाहर निकलिएगा गेट के बाहर, एक पपीता बेचने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये हालत हो गई, वो पपीता काट रहा है, गालियां दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते थे कि लोग बेरोजगार रहेंगे, रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए, एक एक दाने के लिए भीख मांगेंगे, तो आज वो चीजें दिखने लगी है। और मोदी जी का ये जो स्वरूप है, नया भारत है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। जैसे पंडित जी का जो सर क्षेत्र है, 7वें चरण में यहाँ पे मतदान होगा, फाइनल मैच होगा सर, प्रधानमंत्री की पूरी टीम लग जाएगी, विनय दुबे की टीम सर
टक्कर दे पाएगी प्रधानमंत्री की टीम? 10 तारीख को समझ में आ जाएगा किसकी कितनी औकात है और पता चल जाएगा। चलिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।